आज मैं आप सबके साथ फिर से एक चटकारेदार स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। हे गाइस, कुक अमेजिंग में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बनाएंगे एक रेसिपी जो रोटियों से बनाएंगे। बहुत ही डिलीशियस लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको रोटियां लेनी हैं। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहें उस हिसाब से रोटियां ले सकते हैं। फ्रेश हो तो फ्रेश ले लीजिए, सुबह की हो, शाम को बना रहे हैं तो वैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ वेजीज ली हैं बारीक चॉप करके, ऑनियन, कैप्सिकम, टोमेटो, और साथ में लिया है पनीर, और लिया है यहाँ पर पोटैटो जो छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है और इसको बॉईल कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं है, आप प्रेस करोगे तो मैशी हो जाएगा, इस तरह का है। और बॉईल करके लेना है आपको, फिर ठंडा करके यूज़ करना है। तो सारी सब्जियों को हम एक बाउल में डालते हैं, बड़े बर्तन में डालना है आपको, प्लेट में भी डाल सकते हैं, जिसमें आप मिक्स कर सकें अच्छे से उसमें। तो मैं सारी सब्जियों को अच्छे से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। यहाँ पर आप कॉर्न या कोई भी और सब्ज़ी जो आप अपने अकॉर्डिंग आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो मैंने जो ली हैं उनमें से आप कुछ स्किप करना चाहें तो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। सारी सब्जियों को एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें डाला है चिली फ्लेक्स 1 बड़ा चम्मच, और ऑरिगेनो डाला है 1 छोटा चम्मच जितना। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और साथ में मैं इसमें म्यूनीज डालूँगी 2 से 3 चम्मच, इतना डालेंगे जिससे ये सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं, बेल्डअप हो जाएं इसमें म्योनी में, और बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाए इस वेजीज़ के मिक्सचर का। तो अच्छे से मिक्स करना है। आप इन सब्जियों को पहले से भी पका के ले सकते हैं कि पैन में आप इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के पका लीजिए और फिर इसमें म्योनी डाल के ये ऐसे कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रॉ सब्जियाँ ली हैं। साथ में इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी डाली है, जो धनिया, पुदीना, टमाटर की बनती है, चिली भी डलती है इसमें। और बस सिंपल सी ग्रीन चटनी को भी हम इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल फिलिंग बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम रोटी लेते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मैं इजी शेप बता रही हूँ आपको। तो मैं इसको पिज़्ज़ा कटर से 2 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो ऐसे ही सारी चपातियों को मैं कट करके रख लूँगी। उसके बाद एक एक टुकड़ा लेना है हाफ पीस रोटी का, और उसमें एक साइड जो फिलिंग बनाई है वो रखनी है। अच्छे से फैलाना है आपको, एक साइड ही रखना है, पूरे में नहीं बिछाना है आपको फिलिंग को। एक साइड अच्छे से प्रेस करते हुए फैला देना है पूरे में, कोने तक। और उसके बाद इसमें चीज़ डालेंगे। आपके पास स्लाइस चीज़ हो तो स्लाइस चीज़ रख दीजिए, अगर आपके पास स्लाइस चीज़ नहीं है, ये वाला चीज़ है, मोजरेला चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। रोटी है वो इस्टे ऐसे नहीं करेगी, तो इस पर कुछ वजन रख देना है। तो मैं एक बाउल रख देती हूँ ऐसे ही खाली, थोड़ी देर रखना है तो वो अपने आप ऐसे ही फोल्ड हो जाएगी। ऐसे ही आपको सारी रोटियों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैं एक और आपको दिखा रही हूँ, एक पीस और लिया, उसमें एक साइड मैंने जो फिलिंग बनाई वो डाल दी। उसके बाद इसको मैं चीज़ लगा के फोल्ड कर दूँगी। चीज़ नहीं है आपके पास तो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आलू भुजिया या बारीक वाली सेव आती है वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा से इसको प्रेस करके रखना है किसी से भी। उसके बाद इसको आप एक के ऊपर एक एक प्लेट में करके रखेंगे तो क्या है, अपने आप ये सेट हो जाएगी, ऐसे ही से फोल्ड कर लेगी। तो सारी आप रोटियों को असेंबल करके आप इस तरह से रख लीजिए। सारी रोटियां हमने असेंबल करके रख ली हैं। अब चलते हैं इनको सेकने के लिए। तो एक पैन लेना है, उसमें घी से ब्रश कर देना है पैन को। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है पैन को आपको, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। और घी से ब्रश करके रोटियों को आप इसमें ऐसे रख देंगे, जिससे क्या है ये रोटियां स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी हो जाएंगी बढ़िया से। बाहर की लेयर एकदम क्रिस्पी रहेगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और टेस्टी सी फिलिंग आएगी, तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा।
ऊपर वाली लेयर में भी हम ब्रश कर देते हैं घी से। घी बटर आप जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अच्छे से ब्रश किया, उसके बाद इसको 2 मिनट ऐसे ही पकने देते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आपको देखना है ये एक साइड से क्रंची हो गई हो तो उसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी क्रंची होने तक पकाना है। हल्का सा कलर चेंज कर देती है तो आपको पता चल जाएगा ये क्रंची हो गई है। ये देखिए सारी रोटियों को फ्लिप करके फिर से दूसरी साइड भी सेक लेते हैं। और फिर जब ये सिक जाए तो आपको चेक कर लेना है, आपको कंटिन्यूअसली यहीं पे खड़े होके आपको इसको बनाना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल बनकर दोनों साइड से अच्छे से सिक कर तैयार हो गई हैं। तो इसको अब हम ट्रांसफ़र करते हैं सर्विंग प्लेट में। इस स्नैक्स को आप शाम के टाइम बना सकते हैं, जल्दी भी बनता है और कुछ मज़ेदार भी लगता है। तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ केचप के साथ, साथ में मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ भी इसको एंजॉय करूँगी। तो बहुत ही डिलीशियस सा ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। रोटियों से कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी ये पिज़्ज़ा वाला फीलिंग देगा आपको। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, ये रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।